हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रितिका और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मखाने के लड्डू, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और बहुत ही हेल्दी होते ही हैं। तो कोई भी व्रत त्यौहार हो तो आप इसे ज़रूर बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए हम ले लेंगे कढ़ाई। तो कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है, तो ज़्यादा घी नहीं डालना है हमें, एक चम्मच घी ही मैंने डाला है। और बस घी गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे 2 कटोरी मखाना। और 2 कटोरी मखाना मैंने डाल दिया है और इसको मीडियम फ्लेम पर हम भून लेंगे। और तब तक भूनेंगे जब तक ये क्रंची ना हो जाए अच्छे से। तो देख सकते हैं मखाने हमारे भून चुके हैं काफ़ी हद तक, तो चेक कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी क्रंची हो गए हैं, अच्छे से टूट जा रहे हैं और बहुत अच्छे से भुने हुए हैं ये। तो निकाल लेंगे हम मखानों को अलग, और इसी में थोड़ा सा घी डालेंगे और इसमें डालेंगे हम अपनी किशमिश। और किशमिश को भी हम अच्छे से भून लेंगे। और आप देख सकते हैं किशमिश हमारी भून चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे। और इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे काजू बादाम। तो मैंने 10-12 काजू और 10-12 बादाम लिए हैं और इन्हें भी हम अच्छे से भून लेंगे। भूनने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और काजू बादाम हमारे भून चुके हैं, अब हम इसे भी निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। और फिर इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे नारियल। तो नारियल को मैंने ग्रेट कर लिया है, आधी कटोरी के करीब ये नारियल है ये, और इसे भी हम भून लेंगे। तो भून लेने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और सारी चीज़ें हमारी भून चुकी हैं और अपने काजू बादाम को हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, इसे पीसना नहीं है हमें। और आप देख सकते हैं ये क्रश हो गए हैं। और अब अपने मखानों को भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है हमें और बिल्कुल दरदरा भी नहीं रखना है, बस मीडियम वाला ही रखना है। ना तो ज़्यादा पाउडर बनाना है और ना ही इसे एकदम से दरदरा रखना है। तो देख सकते हैं इस फॉर्म में हमें इसे रखना है मखानों को। और सारी प्रिपरेशन हमारी हो चुकी है, अब हम कढ़ाई में डाल देंगे आधी कटोरी गुड़। तो बहुत ज़्यादा गुड़ हमें नहीं लेना है क्योंकि फिर लड्डू ज़्यादा मीठे हो जाएंगे। बस आधी कटोरी ही गुड़ मैंने लिया है और इसमें 2 चम्मच के करीब पानी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना है, नहीं तो फिर लड्डू बेकार हो जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। और बस 2 ही चम्मच मैंने पानी लिया है, तो इससे हमारे लड्डू बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे, क्रंची बनेंगे। और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये कढ़ाई से बिल्कुल अलग ना होने लगे। और आप देख सकते हैं गुड़ हमारा काफ़ी अच्छे से पक चुका है और कढ़ाई से बिल्कुल अलग होने लगा है। तो इसी स्टेज पर हम डाल देंगे अपने मखाने और ड्राई फ्रूट्स और गैस ऑफ़ कर देंगे। तो गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है और सारी चीज़ों को हम इकट्ठा मिला लेंगे और उसके बाद ही इसका लड्डू बनाएंगे। तो सारी चीज़ें गुड़ में अच्छे से मिल गई हैं और अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है इसे, थोड़ा सा गर्म ही रहेगा तभी हमें लड्डू बनाने हैं। और देख सकते हैं लड्डू हमारे बनके तैयार हो गए, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनते हैं ये लड्डू। आप किसी भी व्रत में बनाकर खाइए, कोई भी त्यौहार हो तो आप ये लड्डू फटाफट से बनाकर ज़रूर खाएं। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके लड्डू कैसे बने हैं। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।